संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी के इन दोनों बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी के बिखरे हुए परिवार का क्या फिर से मिलाप होगा क्या फिर से ये गांधी परिवार एकजुट होकर हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया मुकाम हासिल करेगा ये सवाल इन दिनों राजनीतिक पंडितों के जहन में तेजी से जगह बना रहा है और आखिरकार हो भी क्यों नहीं क्योंकि इन सबको हवा मिल रही है वरुण गांधी की उस भाषण से जिसमें उन्होंने लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के प्रति अपना नरम रुख प्रदर्शित किया तो साथ ही उन्होंने उन मुद्दों पर चोट की जिनको लेकर इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार भाषण कर रहे हैं इन दिनों सबसे तेज अगर कोई बात राजनीतिक क्षेत्रों में चल रही है तो वो यह है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं अगर इस बात का जवाब ढूंढते हैं तो राजनीति में जवाब मिलता है पिछले दिनों से लगातार उठाए जा रहे उन नेताओं की ओर से कदमों का तो वो कदम यह है कि जहां वरुण गांधी लगातार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वे गांधी यानी जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के कभी विरोधी नहीं रहे तो साथ ही वे लगातार उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं जिनका अपना सियासी रंग है वे लगातार भाजपा से दूरी बनाए हुए हैं और लगातार पीलीभीत से दो बार के सांसद आखिरकार अब अपना रुख कांग्रेस की ओर करने को आतुर है तो इस सब की वजह अगर बताएं तो वो है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की चचेरी बहन दरअसल इन भाई बहनों के बीच परिवार में आए तूफानों के बावजूद रिश्तों में निकटता बनी रही और प्रियंका अपने इस भाई को काफ़ी लाड दुलार करती है और यही वजह है कि उनके कांग्रेस में आने की राह भी प्रियंका के जरिए ही खोली जा रही है राहुल गांधी जिस तरह से अपनी राजनीति करते आए हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र विशेष में तो उनका अपना जलवा है तो उनकी माँ मेनका गांधी भी लगातार पिछले चार दशकों से सक्रिय राजनीति में अपने आप को स्थापित कर चुकी लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में वे मोदी सरकार में ये पूरी तरह से दोनों माँ बेटे असहज महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि अब कांग्रेस में भी उनके आने के लिए संकेत मिलने लगे हैं जब राहुल गांधी से भी उनके आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि हर आने वाले का स्वागत है लेकिन वरुण गांधी बीजेपी में हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है वहाँ इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि अंदर कुछ खिचड़ी तो पक रही है और अगर ये खिचड़ी पकती है तो इसका स्वाद हिंदुस्तान की राजनीति में काफ़ी लाजवाब होगा दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उन्हें एक बड़ा चेहरा मिल जाता है और वो भी अपने परिवार का वरुण गांधी यूँ भी राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के साथ साथ अपने बौद्धिकता का लोहा भी मनवा चुके ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या गांधी परिवार एकजुट होने जा रहा है और एकजुट होकर उसकी नई परिभाषा लिखी जाए राजनीति की इसके लिए तैयारियां हो रही है तो संकेत मिलते हैं हाँ क्योंकि जिस तरह से राजीव गांधी और संजय गांधी का ये परिवार एकजुट होकर राजनीति में फिर से एक बार सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आतुर है तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी अब नए दरवाजे खोले हैं सफलता के और इस सफलता के नए दरवाजों के बीच राहुल के साथ वरुण गांधी की ये दस्तक राजनीतिक पंडितों के लिए एक अभूज पहेली बन गई है जिसे वे सुलझाने में लगे हैं कि निश्चित तौर पर वरुण गांधी का आगमन कांग्रेस के लिए भी एक शुभ संकेत होगा तो वहीं पर वरुण गांधी के लिए भी अपने आप को स्थापित करने की कवायद में एक मील का पत्थर साबित होगा